कुछ पता चलता है, कोई जानकारी मिलती है। O-R-G-A-N-S, organs means हमारे बॉडी के पार्ट्स। अगेन वार्म अप मीन्स रेडी होना, हमको चैप्टर पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में कुछ तैयारी रखना, रेडी रहना। पिया वांट्स टू टॉक ओवर द फोन विद हर फ्रेंड। FRIENDी फ्रेंड मीन्स दोस्त। रमन टिक राइट द सेंस ऑर्गन दे विल नीड एंड डबलिटी नीड मतलब जरूरत टू लिसन मतलब सुनना टू ईच अदर। पिया वॉन्ट्स टू टॉक ओवर द फोन विथ हर फ्रेंड। यहाँ ये पिया नाम की गर्ल अपने फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रही है। इनमें से वो कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करेगी? विस सेंस ऑर्गन आपने बोला क्या अपने घर पे कि मैं कहाँ टिक लगाऊ? यस वी टिक ऑन ईयर। कौन सा यूज करेंगे हम अपने सुनने के लिए? ईयर को यूज करेंगे। ओके नाउ नंबर टू वी स्टार्ट अवर चैप्टर। वी हैव फाइव ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू सी हियर स्मेल टेस्ट एंड फील। यस बेटा हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आपने यूकेजी में भी लर्न किए? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? फाइव। फर्स्ट इज आईज ईयर नोज टंग एंड स्किन। और इनसे हम कौन सा वर्क करते हैं? सबसे पहले सी वी सी विद आवर आईज, हियर वी हियर विद आवर इयर्स, स्मेल वी स्मेल विद आवर नोज, टेस्ट वी टेस्ट विद आवर टंग एंड फील विद आवर स्किन। ई ए सी एच ईच, ईच मतलब हर एक सेंस ऑर्गन does a particular 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 w-o-r के verb। हर सेंस ऑर्गन का एक verb होता है। see the pictures, यहाँ पर आपको ना pictures दिए हैं उनको आप देखो और फिर बताओ कि कौन से सेंस ऑर्गन का कौन सा verb है। आशी reads a comic book, यहाँ पर आशी अपनी कॉमिक बुक रीड कर रही है तो वो कौन सा सेंस ऑर्गन मैं यूज कर रही होगी? यस यूजिंग हर आईज, वो क्या यूज कर रही है? अपनी आईज। आईज हेल्प हर टू सी थिंग्स, आईज हेल्प हर टू सी थिंग्स। आईज केवल उसी को हेल्प नहीं करती सी करने के लिए, सभी लोगों को आईज हेल्प करती है कोई भी चीज देखने के लिए। आशीष फ्रेंड मंजूषा क्लोजेस हर आईज, अब यहाँ पर आशी की फ्रेंड ने क्या करा? उसकी आईज क्लोज कर दी। नाउ आशी कैनॉट सी, अब आशी नहीं देख पाएगी। नेचुरल है जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे कोई क्लोज कर देगा तो हम नहीं देख सकते। नवीन एंड प्रवीण आर टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, यहाँ दो बॉयज बैठे हैं नवीन और प्रवीण, वो एक दूसरे को सुन रहे हैं। Suddenly an aeroplane flies over them making a noise. Suddenly means तभी अचानक से एक एरोप्लेन वहाँ से उड़ता हुआ उनके ऊपर उड़ता हुआ गया और बहुत जोर से आवाज़ हुई, नॉइज मतलब शोर सुनाई दिया। They closed their ears, उन्होंने अपने कान बंद कर दिए। Now they cannot hear the noise. Noise means sound, आवाज। This shows that we hear using our ears. इसका पूरा जो यहाँ पर बात करता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई शोर या साउंड सुनाई देता है तो हमें अपने कान का यूज करना होता है, अपने ईयर्स को यूज करते हैं और शो ये चीज़ ये बताती है कि हमारे सुनने में हमें हेल्प करते हैं ईयर्स। Using our ears. So only the ears help us to hear a sound. कोई भी आवाज सुनने के लिए कान
the flower using her nose. फ्लावर को खुशबू लेने के लिए, किसी भी चीज की स्मेल लेने के लिए हमने क्या यूज की? अपनी नोज. Hina does not want to smell the bad smell coming from the open dustbin. Hina को फूल की खुशबू, फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, पर इस ओपन डस्टबिन की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लग रही, इसलिए उसने अपनी नोज को कवर कर रखा है. She covers her nose with a hanky. और रुमाल को हम क्या बोलते हैं? हैंकी. और इसको हैंकी क्यों बोलते हैं बेटा? जो कपड़ा हाथ में रखा जाता है, इसलिए इसे हम हैंकी बोलते हैं. अब आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल अ थिंग. हमें हमारी नोज किसी भी चीज के स्मेल के लिए काम में आती है. केशव इज काइंड बिकॉज ही टेस्टेड अ चिली. चिली मीन्स मिर्ची. C-H-I-L-L-I-G-N-S-M-I-R-C-H-I. केशव ने, केशव क्यों रो रहा है यहाँ पर? क्योंकि उसने गलती से मिर्ची खा ली. Soon he stops crying when he is given an ice cream. पर वो क्या हुआ, जैसे ही वो मिर्ची के कारण रोने लगा था, तुरंत उसे एक आइसक्रीम दिया गया. Soon मतलब तभी या जल्दी से. जैसे ही उसको आइसक्रीम दिया, वो चुप हो गया और उसको बड़ा अच्छा लगा. Taste with that.